बात करेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की, जहां से जेजेपी की प्रत्याशी स्वाति यादव मैदान में है और इसी को लेकर अजय चौटाला भी गांव गांव में जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। चौटाला ने स्वाति यादव के जीतने का दावा भी किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए हर कोई चुनावी मैदान में उतर चुका है। जेजेपी के संस्थापक अजय चौटाला ने भिवानी में गठबंधन प्रत्याशी स्वाति यादव के लिए जनता से वोट मांगे। चौटाला ने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ से जेजेपी की उम्मीदवार ही जीतेगी। तो 23 तारीख को जब चुनाव घोषित होगा, उस दिन सबसे पहले भिवानी संसदीय क्षेत्र से जेजेपी की उम्मीदवार चुनाव जीतेगी। चौटाला ने जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह की तरफ से दिए गए बयान पर सफाई दी है। अजय चौटाला ने साफ कहा कि केवल कानून के दृष्टिगत ही केस वापस लिया जा सकता है, यहाँ कहने से कुछ नहीं हो सकता और देरी से वोट मांगने की बात भी कही गई है। हर वोटर की उतनी ही अहमियत है, डेरा के तो बहुत बड़े समर्थक लोग भी हैं, हम तो पहले भी वहाँ जाके वोट मांगते रहे, अब भी मांगेंगे। आपकी पार्टी की सत्ता में आती है तो क्या उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस किए जाएंगे? निशांत सिंह जी ने भी ऐसा कहा। ऐसा तो कानून की दृष्टिगत किया जा सकता है, मेरे कहने से नहीं होती। बहरहाल 12 मई को हरियाणा में मतदान होने हैं और जनता को इसी दिन का इंतजार है, तो देश को 23 मई नतीजों के दिन का इंतजार है। अब जनता किसे सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है ये तो नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। लोहारू से महासिंह श्योरण की रिपोर्ट, खबरें अभी तक।